ऑटो रिक्शा, फोर स्ट्रोक गाड़ी, कार्बोरेटर क्लीनिंग। चलो तो वीडियो को शुरू करते। तो दोस्तों हाय, यूट्यूब पे आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है। तो आज का जो वीडियो है बजाज फोर स्ट्रोक गाड़ी का कार्बोरेटर क्लीनिंग करना है। सेटिंग तो आप कर सकते हैं और क्लीनिंग मतलब थोड़ा ही छोटा मोटा काम है, पर वो आपके लिए बहुत काम का है। तो आपको देखते रहिए। तो मेरा यूट्यूब का जो चैनल है ऑटो रिक्शा ज्ञान, आपको इसके बारे में आप वीडियो डालता हूँ कि वीडियो में आपको जो जानकारी मिले वो सही ढंग से मिले और वो क्यों खोल रहा हो तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो फिलहाल कार्बोरेटर में जो छोटा सा ही काम है, पर वो उस छोटे से काम न होने के कारण गाड़ी में जो प्रॉब्लम हो रही है वो सबको होती है और मुझे भी हो रही थी। फिलहाल मेरी गाड़ी फोर स्ट्रोक पेट्रोल गाड़ी है, वैसे ही मैं खोलना नहीं चाहता था क्योंकि माइलेज सेटिंग बिगड़ जाती है और गाड़ी को प्रॉब्लम होते, पर अभी करें क्या, खोलना तो ज़रूरी है। तो फोर स्ट्रोक गाड़ी है दोस्तों, आपके पास भी BS3, BS4, BS6 तो नहीं मैं बता, क्योंकि BS6 को कार्बोरेटर अलग से वो। तो दोस्तों गाड़ी खोलने का रीज़न यही है कि आपके लिए ये जो वीडियो बनाता हूँ ऑटो रिक्शा ज्ञान में, तो मैं हूँ अनिल बागुल। प्लीज़ करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता हूँ और ढूंढता हूँ और कुछ अलग बनाने की चाहत रखता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो बनाने के लिए पहले सबसे पहले अपने को फोर स्ट्रोक गाड़ी को सबसे पहले पीछे जाके अपने मशीन को जो फिटर के पास जाए जो अपने पहचान का हो, क्योंकि आपको आता होगा तो ज़रूर खोले, नहीं आता हो तो यूट्यूब तो है मेरा, उस पर भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखें आपका एक्सीलेटर वायर है वो उसका पिस्टन है, धीरे से खोल के लेना है। और दूसरा है जो चौक का पिस्टन उसके ही बाजू में होता है, वो दोनों भी खोल लेना है, क्योंकि ये काम धीरे धीरे है। और मेरा काम था दूसरा गाड़ी का, जो गाड़ी के वॉल सेटिंग करने के था, तो वो छोड़ के मैं फिलहाल ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो मैं कल डाल दूँगा। फिलहाल अभी कार्बोरेटर भी खोल ले रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी में जो प्रॉब्लम आ रहा है तो वो है मेरे गाड़ी को फोर स्ट्रोक गाड़ी को पिकअप का प्रॉब्लम। पिकअप मतलब गाड़ी 40-50 के आगे ज़्यादा भाग नहीं पा रही है, तो फिलहाल वो मुझे कार्बोरेटर जो प्रॉब्लम दे रहा है इसके कारण मैं उसका जो कार्बोरेटर खोलने के उसके अंदर जो कचरा है वो खोल के साफ करना है, क्योंकि मुझे दूसरे और भी काम है दोस्तों, क्योंकि ऑटो चलाना है और दूसरा है वीडियो भी बनाना है, एडिटिंग करना है और आपके लिए कुछ अच्छे से जानकारी को संभाल के आपके लिए सामने शेयर करना है। बहुत से ऑटो ड्राइवर गाड़ी चलाते समय उनको पता ही नहीं चलता, कम से कम बहुत से 10-15 साल के ऊपर ऑटो ड्राइवर गाड़ी चलाते पर उनको प्रॉब्लम नहीं था। फिलहाल कैसा है, नासिक में टू स्ट्रोक थे, फिर अभी धीरे धीरे फोर स्ट्रोक बढ़ते जा रहे हैं। पुणे, मुंबई, बहुत से जगह अलग अलग TVS के जो फोर स्ट्रोक के, कई ऐपे के और कई मुंबई में बजाज के, टुकटुक के, बहुत अलग अलग कंपनी के फोर स्ट्रोक गाड़ियाँ है, पर हर एक गाड़ी में अलग अलग जो भी कार्बोरेटर तो होता है पर उसको छेड़खानी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कार्बोरेटर सेटिंग के बाद माइलेज में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो फोर स्ट्रोक गाड़ी है और गाड़ी का कार्बोरेटर मतलब उसका दिल है, इसलिए मैं दिल को ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहता। मैं चाहता तो खुद भी कर सकता था, पर वीडियो को कैमरा पकड़ने के लिए कोई रहता नहीं और अकेला काम करते समय बहुत दिक्कत आती, इसलिए मेरा दोस्त है फिटर इमरान, वो फिर वो टू स्ट्रोक का काम करता है पर वो फोर स्ट्रोक का भी मेरे लिए कर देता है, क्योंकि मैं उसके साथ रहता हूँ और उसको बताते रहता हूँ क्या करना है क्या नहीं, और उसके वजह से उसको भी नॉलेज मिलती है और मुझे भी, तो हम दोनों को तो मिलती है और आपको भी मिलती रहेंगी फोर स्ट्रोक गाड़ी खोलते समय। अभी कार्बोरेटर का जो एक्सीलेटर पिस्टन है और चौक का पिस्टन खुल चुका है आप देख सकते हैं, और पेट्रोल का पाइप का कॉक बंद कर देना, क्योंकि मेरी पेट्रोल गाड़ी है, मैं CNG और LPG पे नहीं चलाता हूँ, मुझे गाड़ी में ज़्यादा मेंटेनेंस का प्रॉब्लम नहीं आता है। फोर स्ट्रोक गाड़ी पेट्रोल पर चली तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, और मुझे कैसा आउट ऑफ ज़्यादा रहता हूँ मैं, जहाँ CNG और LPG अवेलेबल नहीं रहता है उसी कारण मुझे पेट्रोल पे ही गाड़ी रखनी पड़ती है, क्योंकि इतना गैस और का जो दिक्कत आती है, कोई पेट्रोल तो कहाँ भी मिल जाएगा, बस CNG LPG को जो प्रॉब्लम आती है उसके कारण मैं पेट्रोल पे गाड़ी रखता हूँ। जब फिलहाल तो अभी कार्बोरेटर की बात करता हूँ दोस्तों, कार्बोरेटर तो खोल लेना है, चारों वजह से जो नट है अच्छे से एक जगह रख दो। तो फिलहाल ये अभी एयर नट जो नीचे की बाजू है कार्बोरेटर की खोल लो, मैं पूरा कार्बोरेटर खोलने नहीं चाहता क्योंकि उसमें और पेट्रोल जो माइलेज सेटिंग ख़राब हो जाएंगी उसके कारण, मैं खाली उसको जो जेट है पेट्रोल जेट वो अच्छे से खोल के। तो दोस्तों ये ख़राब क्यों होता है, उसमें कचरा कैसे आता है, तो एक कारण है उसका एयर फिल्टर वो अच्छे से साफ ना होने के कारण, और दूसरा है पेट्रोल डालते समय पेट्रोल के अंदर थोड़ा थोड़ा ऐसे, कई साल तक अभी तो पेट्रोल टंकी मैंने साफ़ नहीं की है, 8-10
सात आठ साल हो गए मेरे ख्याल से, तो अभी फ़िलहाल वो भी एक दिन साफ़ कर लूँगा, आप उसका भी वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल अभी जो प्रॉब्लम है जो जेट का है, वो पेट्रोल जेट उसको देख ला, बहुत छोटा होता है, उस पर छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे पेट्रोल का स्प्रे कार्बोरेटर से अंदर पिस्टन ब्लॉक के अंदर जाता है और गाड़ी अच्छे से हवा और पेट्रोल का मिक्सचर से वो जलता है। तो फ़िलहाल उस पर बहुत सारा कचरा है जो अंदर पेट्रोल अच्छे से स्प्रे नहीं कर पा रहा है और गाड़ी को प्रॉब्लम दे रही। फ़िलहाल तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते उस, ये देखो छोटे छोटे छेद हैं और डैमेज ना हो इसलिए आराम से खोल के उसको पेट्रोल से धो लेना चाहिए। अभी फ़िलहाल तो मैं जल्दी में हूँ और वीडियो एडिटिंग भी करना है आपके लिए, तो दोस्तों नाराज़ ना होना, फिर बोलेंगे पेट्रोल से धोया नहीं, तो खाली मुझे अंदर का जो क्लीन था वही करना है, बाकी वीडियो तो बनते रहेंगे और आपके लिए ऐसे अलग अलग कुछ वीडियो लाता हूँ। कार्बोरेटर का जो अंदर का जो क्लीनिंग और जेट साफ़ करना था अभी हो चुका है और फटाफट आप दूसरा भी काम करना है वीडियो। तो फ़िलहाल सुबह ये देखो ये जो एयर पाइप है उसे फूंक लेना, उसके अंदर भी कचरा रहता है, ये क्योंकि पेट्रोल और हवा का मिक्सचर एक जैसा हो, ज़्यादा होने के कारण एयर नेट खोलने के बाद उसके अंदर का जो भी हो निकल जाता है। तो दोस्तों वीडियो तो बनते रहेंगे आपको, जो भी और बहुत से वीडियो, एयर फिल्टर और अभी फ़िलहाल मैंने क्लच पेट का भी डाला है, वो भी देखो फुल वीडियो है, क्लच पेट डालते समय क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि दोस्तों वीडियो तो बहुत सारे बनते हैं और लोग देखते भी है पर लाइक और शेयर नहीं करते, जिसके कारण हमें बुरा लगता है कि आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ और हम आपके लिए वक्त निकालते हैं, क्योंकि फोर स्ट्रोक गाड़ी में बहुत से प्रॉब्लम होते हैं, पर आप अच्छे से वीडियो देखेंगे तो आपको शायद इतना पता चल जाएगा कि बहुत सालों तक आप गाड़ी के मशीन, क्लच पेट, इंजन और एक चीज़ ऐसी खोलते समय आपको आप सावधानियां बरतेंगे तो आपका ज़्यादा दिन गाड़ी चलेंगी और अच्छे से चलेंगी। हम कैसे लॉन्ग रूट पे चलते हैं, लोकल एरिया में भी चलते और बहुत से ख़राब रास्ते रहते, पर हम गाड़ी महीने में मेंटेनेंस रखने के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। आप भी हमारे तरह वीडियो को देखते रहेंगे और काम करते रहेंगे तो आपको भी बहुत सी गाड़ी को ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी। फ़िलहाल तो वीडियो ख़त्म होते आ रहा है कार्बोरेटर को, जो अभी फिलहाल चारों नट फिट होने के बाद कार्बोरेटर मेरा अच्छे से हो जाएगा। कभी आपको वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करना। तो वीडियो को देखते रहने के लिए आपका शुक्रिया और मैं हूँ अनिल बागुल, ऑटो रिक्शा गैंग में आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो समझ में आए तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों ये मेरा दोस्त इमरान है, वो अच्छे से अच्छे काम करता है और पूरा मशीन टू स्ट्रोक का करता है, फोर स्ट्रोक का अभी तक उसने हाथ नहीं लाया और मैंने भी खोला नहीं, खोलूँगा तो मैं आपको उसका भी वीडियो डालूँगा, क्लच पेट डाला है खोलने के बाद और दूसरे वीडियो भी डालूँगा एक के पीछे एक जब से मुझे टाइम मिले। तो वीडियो देखते रहना है दोस्तों और आगे बढ़ते रहना है, ज़िंदगी इसी का नाम है। चलो मिलते हैं बाय दूसरे वीडियो के लिए।